नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप इस समय RN4 एजुकेशन पर तो बात कर लेते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि रिजल्ट जो है 31 अगस्त तक आने वाला था और आंसर की जो है 25 अगस्त तक आने वाली थी, लेकिन इसमें जो है अब और देरी होने वाली है। 8 सितंबर से पहले अब रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी। जिलों ने विभाग से फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस जो है आ जाएगा, शिक्षा विभाग जो है इसे GED को भेज देगा और GED से फाइनल आरक्षण रोस्टर जो है भेजा जाएगा आयोग को। बिहार शिक्षक भर्ती में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीटें जो है नहीं होंगी ऐड, इस बात की भी जानकारी जो है साफ हो गई है। SC ST OBC के आरक्षण का दायरा कम कर 50% के आरक्षण पर जारी होगा रिजल्ट। बार रोस्टर आ जाता है, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की कटाव में जो है गिरावट आ जाएगी। 1 to 5 और 68 के आंसर की जो है, हालांकि अगर आंसर की बात करें तो 1 to 5 और 6 to 8 के आंसर की जो है तैयार है, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी आंसर की का जो है इंतजार अभी लंबा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन लगेंगे आंसर की आने में, तो जो है एक साथ जारी हो जाएगा आंसर की और रिस्पांस शीट भी जो है 25 अगस्त तक जो है फिर से जारी होगा। तो TRE 3 रिजल्ट में जो है देरी हो सकती है और रिजल्ट जो है आप लोगों को सितंबर 1 वीक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर बिहार में TRE 4 वैकेंसी की बात करें तो TRE 4 वैकेंसी जो है अगस्त में ही आने वाली थी, लेकिन इसे पहले ही बता दिया गया है कि TRE 4 की वैकेंसी जो है सितंबर में आएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि TRE 3 का रिजल्ट ही जो है सितंबर में आने वाला है, तो अब TRE 4 जो है वो सितंबर के लास्ट वीक तक जो है आ सकती है या अक्टूबर के 1st वीक में आ सकती है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों का STATE का एग्ज़ाम भी कराना है, तो देखते हैं STATE का एग्ज़ाम पहले होता है या TRE 4 की वैकेंसी पहले आती है। तो ये थी बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।